हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट फैंटेसी मैच प्रेमी आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं इंडिया वुमन वर्सेस बांग्लादेश वुमन के बीच में होने वाला था T20I मैच के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच प्रेमी में हम देखने वाले हैं पिच रिपोर्ट वेन्यू रिकॉर्ड प्लेइंग 11 हिट ट्वेट रिकॉर्ड प्लेयर बैटल टॉप कैप्टनशिप ग्रैंड लीग डिफरेंशियल पिक डेमो टीम और आखिर में फैंटेसी टिप देने वाला हो ग्रैंड लीग के रिलेटेड। अगर आप ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना तो ही फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखना अगर ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो तो आगे चलते भाई, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेन पॉइंट पर बात करते हैं हम। अब हमेशा ज़्यादा कोई बोल बच्चन वगैरह नहीं देते, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो 1:30 बजे मैच खेला जाने वाला है, शेर ए बांग्ला स्टेडियम पर मैच होने वाला है, ये आखिरी मैच है। तो इंडियन टीम में चेंजेस हो सकते हैं, 2 से 3 चेंजेस हो सकते हैं। बांग्लादेश टीम अच्छा करने की कोशिश करेंगी, मुझे नहीं लगता उसमें चेंजेस हो गए, सेम टीम के ही साथ खेलेगी बांग्लादेश, मुझे जहाँ तक लग रहा है। वो पिच की बात करूँ तो स्पिन फ्रेंडली और बैटिंग फ्रेंडली रहने वाला है, बट अभी ये तीसरा मैच है इस वेन्यू पे लगातार, तो स्पिन ज़्यादा होने वाली है, दोनों तरफ से स्पिन ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि लास्ट मैच में भी देखा दोनों तरफ से स्पिनरों ने अच्छा किया था, और इस मैच में भी सेम हो सकता है। वेन्यू पे वुमन्स के 8 मैच हुए हैं, बैट फर्स्ट करने वाली ने 3 जीते हैं अभी तक, बैट सेकंड करने वाली ने 5 जीते हैं। एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट 107 का है भाई, यहाँ पे हाई स्कोर 140 ऑस्ट्रेलिया वुमन का है, लोएस्ट टोटल यहाँ पे 185 साउथ अफ्रीका वुमन का है। 150 बिलो स्कोर यहाँ पे ज़्यादा बना नहीं है, 150 बिलो ही स्कोर बना है, वो भी 8 बार बना है। हिट टू हिट की बात करो तो 15 मैच खेले हैं, 13 मैच इंडियन वुमन ने जीते हैं और 2 मैच बांग्लादेश वुमन ने जीते हैं, तो बहुत अपर हैंड रहने वाला है। और ये आखिरी मैच है तो बांग्लादेश वुमन ट्राई करेगी कि अपना बेस्ट दे इस मैच में। हिट टू हिट स्कोर का ये तो मैंने ये तो इसका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक मैच का लिखना भूल गया मैं, 5 मैच का दिया, लास्ट मैच का दिया नहीं मैंने इसमें, तो ये बात ध्यान में रखना, भूल गया शायद लिखना मैं। हिट टू हिट की प्लेयर बैटल की बात करते भाई, तो प्लेयर बैटल की बात करते शमीमा सुल्ताना को देखो, अस्तकर ने एक बार आउट किया है 17 रन 10 बॉलों में, उसके बाद मीनू ने 10 बॉलों में 5 रन देके 2 बार आउट किया, 10 रन देके 2 बार आउट किया है। निगर सुल्ताना की बात करो, गायकवाड़ ने एक बार आउट किया है, शेफाली वर्मा ने 4 बॉल में 4 रन देके 1 बार आउट किया है, रितु मोनी का भी स्ट्रगल है, आर सिंह मीनू ने एक बार आउट किया है, इसको जो मीनू खेल रही है अभी उसके बारे में बताएंगे। फरगाना खेल नहीं रही है, लता मंडल भी नहीं खेल रही है, फहिमा खातून लास्ट मैच में खेली थी, शेफाली ने 3 बॉल खेला के 1 रन पे 1 बार आउट किया, मुर्शिदा खातून को भी 1 बार आउट किया है, बारड्डी अनुष्ठा ने 1 बार आउट किया लास्ट मैच में। साथी रानी अच्छा खेल रही थी, अच्छा खेलती है भाई, लास्ट मैच में दीप्ति शर्मा ने आउट किया है और वस्त्रकर ने आउट किया है, तो वस्त्रकर ने तो ज़्यादा रन दिए, 9 बॉल में 16 रन देखे 1 बार आउट किया है। उसके बाद शोभना मोस्त्री है भाई, ये भी बढ़िया प्लेयर है, लास्ट मैच में खेली नहीं थी, शेफाली वर्मा ने 1 बार आउट किया है। शोभना अख्तर भी अच्छी प्लेयर है, इसको भी आउट किया है दीप्ति शर्मा ने 1 बार। स्मृति मंदाना की बात करते हैं अभी, सलमा खातून ने 1 बार आउट किया है, सुल्ताना खातून ने 1 बार आउट किया है, नायदा अख्तर ने लास्ट मैच में आउट किया था, फहिमा खातून ने 1 बार आउट किया है। स्ट्रगल किसी के सामने नहीं है, पर 1-1 बार आउट हो चुकी है, और स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा फंसती है मंदाना तो, और बांग्लादेश के पास बढ़िया स्पिन बॉलर है, तो मंदाना पे रिस्क ले सकते हो, लास्ट मैच में जैसी आउट हुई उस हिसाब से चाहो तो रिस्क ले सकते हो, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो भाई रिस्क लेना तो ज़रूरी है। मंदाना मस्ट है, पीक में रहती है हमेशा, हर टीम में रहती है, तो इस मैच में चाहो तो ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो मंदाना पे। शेफाली वर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि बैटिंग भी ओपन कर रही है और बॉलिंग भी कर रही है, बॉलिंग से कमाल कर रही है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रितु मोनी ने 1 बार आउट किया है इसको, 20 बॉलों में 24 रन देके। सुल्ताना खातून ने 1 बार आउट किया, 1 बॉल 3 रन देके। मारूफ अख्तर ने 1 बार आउट किया है, 13 बॉलों में 9 रन देके। जिमी रॉड्रिक्स बहुत बुरे फॉर्म में भाई, कुछ कर ही नहीं पा रही, 2 बार बैटिंग के चांसेस आए पर कुछ कर नहीं रही है, और लास्ट मैच में 4 बॉल डाला था, विकेट लेस रही थी। रायबा खान ने इसको 1 बार आउट किया है लास्ट मैच में, सुल्ताना खातून ने भी 1 बार आउट किया है। स्ट्रगल तो किसी के सामने नहीं बोलूँगा मैं, बट फॉर्म में नहीं है जिमी रॉड्रिक्स। उसके बाद यस्तिका भाटिया, ये भी कुछ
कर नहीं पाए। लास्ट मैच में सभी फेल हो गए थे, सभी के सभी, और 100 के अंदर ही ऑल आउट कर दिया था। उसके बाद रितु मोनी की बात कर, रितु मोनी ने आउट किया इस्तिक भाटिया को 17 बॉल में 14 रन दिखे। हरमनप्रीत को सुल्ताना खातून ने एक बार आउट किया 12 बॉल में 9 रन दिखे। दीप्ति शर्मा सुल्ताना खातून ने तीन बार, सलमा खातून ने तीन बार आउट किया है, फहीमा खातून ने एक बार आउट किया है। स्ट्रगल खाली सुल्ताना सलमा खातून के सामने है पर वो खेल नहीं रही थी। हरलिन देवल को सुल्ताना खातून ने आउट किया है लास्ट मैच में 0 रन देके एक बॉल में। प्लेइंग विलन की बात करते हैं तो प्लेइंग विलन मुझे लगता है इंडिया की टीम से चेंजेस हो सकते हैं। जो रेड्डी है मीनू है इन दोनों को बिठा सकती है और दूसरे किसी दो प्लेयर को जगह दे सकती है टीम, या हरलिन को भी बिठा सकती है, दो से तीन प्लेयर को भी इंडियन टीम चांस दे सकती है। तो ओपन करने वाली स्मृति मंदाना, जेमी एम रॉड्रिक्स भी रहने वाली, हरमनप्रीत भी आने वाली है, इस्तिका भाटिया रहेंगे। यहाँ तक तो टीम ऐसी है ऐसी रहने वाली है मुझे जहाँ तक लग रहा है। दीप्ति शर्मा भी फिक्स रहने वाली है, दीप्ति शर्मा फिक्स रहेगी। पूजा वस्त्र का चाहो हो सकता है ड्रॉप हो जाए, अमरजीत कौर भी ड्रॉप हो सकती है, अनुषा रेड्डी भी ड्रॉप हो सकती है, मीनू को भी ड्रॉप कर सकते हैं, या ये पांच प्लेयर में से कोई भी ड्रॉप हो सकता है, चार प्लेयर में से कोई भी ड्रॉप हो सकता है, एक प्लेयर या तीनों के तीन चारों के चारों जा सकते हैं, चार नए प्लेयर आ सकते हैं इनकी जगह पे। तो देखेंगे भाई, टॉस के बाद ही देखेंगे क्या होने वाला है, उसी हिसाब से टीम बनाएंगे, उसी हिसाब से सजेशन दूंगा। और कोई नया प्लेयर आ जाए तो टेलीग्राम के उसके स्टैट शेयर कर दूंगा, प्लस इस ब्लॉग का भी लिंक देने वाला डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हो सभी, और मैं वो स्कोर कार्ड भी ऐड करने की कोशिश करूँगा मुझे वक्त मिलता है तो। शुभानी मेघना को चांस मिल सकता है, देविका को भी चांस मिल सकता है इस मैच में। उसके बाद मोनिका पटेल खेल सकती है, और कदर जाए दोनों दो प्लेयर को चांस मिलने के चांसेस है। और चाहो तो यस्तिका भाटिया को भी ड्रॉप कर सकती है टीम, मतलब अगर चांस देना चाहो तो सबको दे सकती है अभी इंडियन टीम, क्योंकि सीरीज तो जीत गई है उस हिसाब से। बांग्लादेश की बात करते हैं भाई, बांग्लादेश साथी रानी बढ़िया खेली दो मैचों में, लास्ट मैच में जल्दी आउट गई थी, फर्स्ट मैच में अच्छा खेली थी भाई, बैट अच्छा खेली थी। शमीना सुल्ताना उतनी कुछ खास फॉर्म में नहीं है अभी, बट 20 से 25 रन करती है हमेशा, पर रिसेंट में उतना कुछ खास फॉर्म नहीं, एक ही बार 20 बनाया है इसने उसके लास्ट 7 मैचों की बात करें तो। मुर्शिदा खातून को खिलाया था लास्ट मैच में पर जल्दी आउट हुई थी, कुछ नहीं कर पाई थी, ये भी अच्छी प्लेयर है, ज़रूर ट्राई करना खेलती है तो। निगर सुल्ताना इस टीम से फिक्स प्लेयर रहने वाली है अपनी, निगर सुल्ताना फिक्स रहेगी। साथी रानी और ये तीन ऊपर के जो प्लेयर है इनको डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो। शोरना अख्तर ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उसके हिसाब से, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गई थी 7 रन पे, उससे पहले 28 किया था नॉट आउट। रितु मोनी का कुछ बढ़िया फॉर्म नहीं है, और बॉलिंग भी नहीं कर रही थी, इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, बैट से भी अभी तक कुछ कर नहीं पाए। नायदा अख्तर ने लास्ट मैच अच्छा खेला था, विकेट भी निकाला था मंदाना का, 6 रन किया था, विकेट लिखना भूल गया मैं। उसके बाद रायबा खान इसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, अच्छी बॉलिंग की थी इकोनॉमिकल। सुल्ताना खातून इसने तो 3 विकेट निकाला था 0 रन पे, फहिमा खातून ने भी 2 विकेट निकाला था, लास्ट मैच के दो ये टॉप क्लास बॉलर थे। महारूपा अख्तर ने भी एक विकेट निकाला था, तो ये ही रहने वाले हैं। एक से दो चेंजेस इसी टीम में भी हो सकते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, टॉस के बाद ही अपने को अपडेट मिलने वाला है तो देखते हैं। लता मंडल का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, शमीमा अख्तर है, रिसेंट फॉर्म डिसेंट है, विश्वास है, दिशा विश्वास इसको भी चांस दे सकती है, तीन मैचों में 2 विकेट लिया है अपने T20 में। संजीता अख्तर ये भी बढ़िया प्लेयर है, पर रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं दिख रहा है, लास्ट अपने 7 मैचों में इसके पास 5 विकेट है। दिलारा अख्तर है, उसके बाद उतना बैटिंग से कुछ किया नहीं है, बैट्समैन नहीं है। फरगान हक है, इसका भी कुछ फॉर्म ठीक नहीं दिख रहा है। तृष्णा है, डिसेंट फॉर्म, अच्छा फॉर्म बोलूँगा इसको, 4 मैचों में 4 विकेट 5 विकेट है। शोभना मुस्ती खेलती थी, इम्पॉर्टेंट है कि अच्छा हार्ड हिटिंग कर सकती है। फिर सलमा खान खातून का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं रहा है अभी तक, बुरा फॉर्म में अभी।
टॉप कैप्टनसी की बात करें तो स्मॉल लीग में जा सकते हो दीप्ति शर्मा, मंदाना शिवपाली और हरमनप्रीत के साथ। ग्रैंड लीग में जाओ, जमीमा वस्त्रकर खेलती है तो उसके साथ जाओ, निगर सुल्ताना रहेगी और यस्तिका भाटिया को भी ट्राई कर सकते हो, पर यस्तिका भाटिया बहुत रिस्की होने वाली है तो उसके जगह पे फिर आप एक आदि बॉलर खेलता है नया तो उसको ट्राई कर सकते हो, खास करके स्पिन बॉलर। जीएल डिप्रेशन में अगर सलमा खातून खेलती है तो उसको ट्राई करो, नाहिद अख्तर लास्ट मैच में आई थी भाई टीम में, शोभना मोस्त्री रहेंगी, रितु मोनी रहेगी अगर खेलती है तो, कुछ चेंजेस नहीं होते तो ये रहेगी। बाकी टॉस के बाद जब टीम बनेंगे उसके बाद सीबीवीसी अगर चेंजेस होते हैं तो बता दूंगा। तो टीम की बात करते भाई, तो निगर सुल्ताना को फिक्स किया है, उसके बाद रायबा खान को किया है, बॉलिंग भी कर रही है और बैट से भी, ऑलराउंडर है तो बैट से अभी तो कुछ किया नहीं पर इस मैच में कर सकती है। नायद अख्तर को ट्राई किया है क्योंकि चार ओवर करती है अपनी पूरी, सलमा खातून सुल्ताना खातून को लिया, फहिमा खातून को भी लिया है और महरूफ अख्तर को भी लिया है, क्योंकि इस टीम में इनकी बैटिंग आने के भी चांसेस है और बॉलिंग भी अच्छा कर रही है सब, तो इसकी वजह से मैंने सबको लिया है। और इंडियन टीम से मैंने लिया है मंदाना को, जो रॉड्रिगेज को, सैफ अली वर्मा को और दीप्ति शर्मा को, और मीनू को ट्राई किया है। अगर कोई नया प्लेयर आता है तो उसको मैं ज़रूर टीम में रखूँगा, उसके मीनू अगर खेलते हैं तो मीनू को ज़रूर रखूँगा। जेमिमा और स्मृति मंदाना, ये दोनों में चेंजेस करके बॉलर ऐड करूँगा टीम में मैं अपने। तो यही था भाई आज का अपडेट, अगर कुछ भी फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगा इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हो तो वहाँ से चेकआउट करो और चैनल को सपोर्ट करो, एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं सबको मैच के लिए, गुड लक, बाय बाय, टेक।